बिजनेस। या तो आज का अपना एजेंडा जो है पांडाज लाइब्रेरी। पांडाज जो है वो आपकी नंपाई जैसी एक लाइब्रेरी है, मतलब जो इसमें हमारा जो पाइथन है इसमें हम लाइब्रेरीज बहुत यूज करते हैं। मतलब जितनी कोर पाइथन यूज करते हैं उससे ज्यादा हम लोग पाइथन की लाइब्रेरीज यूज करते हैं, क्योंकि ये ना लाइब्रेरीज जो है वो कुछ प्रोफेशनल्स में जो है वो यूजफुल काम जो अदरवाइज हमको प्रोग्रामेटिकली खुद करने पड़ते हैं वो कर करके उन्होंने फंक्शन बना बना के डाल दिए हैं अपने लिए, तो अपना काम काफी आसान हो जाता है। तो पाइथन में इस तरह की लाइब्रेरीज बहुत हैं। तो नंपाय में हमने देखा कि हम लोग अरे फंक्शंस और कुछ इस तरह की चीजें हम लोग हैंडल करते थे। तो पांडा में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा जिसको हम डेटा सेट बोलते हैं। तो मैं आपको आपको बताऊंगा डेटा सेट या डेटा फ्रेम क्या होता है, ये आपको बताऊंगा आज। तो हम जो है टोटल आज 3 टॉपिक कवर करेंगे जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ब्लू में। आज इंट्रोडक्शन तो यही है, इंट्रोडक्शन ये है, फिर एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे सीरीज करके, और सीरीज को ही आगे हम ले जाएंगे और उसको हम लोग जो है उसको जो है हम लोग सीरीज को आगे ले जाके हम सीरीज को आगे ले जाके हम डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आज का इतना सेशन है अपना। तो ये दो चीजें हम कवर करेंगे आज, सीरीज और डाटा फ्रेम्स, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे डाटा साइंस के लोगों के लिए जो मतलब डेटा के साथ काम करते हैं। तो उनके लिए ये डाटा साइंस और सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और सीरीज और डाटा फ्रेम में भी हम लोग जो है डाटा फ्रेम जो है वो हेविली यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये डाटा फ्रेम ये सीरीज क्या होता है। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विथ सीरीज। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को। अब मैं सिंपल कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो है लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले पांडा जब भी पाइथन का प्रोग्राम शुरू करते हैं तो हमें कुछ नेसेसरी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना पड़ती है। ठीक है, तो दो लोगों ने ज्वाइन किया है, 1 मिनट। तो एक तो आपने देखा कि जब भी आपको नंपाई से नंपाई लाइब्रेरी के साथ काम करना है तो आप नंपाई एज एनपी काम करते हो। नंपाई लाइब्रेरी का नाम है, एज एनपी आप लिखते हैं तो आपको जब भी नंपाई के कुछ फंक्शंस या मेथड्स बुलानी है तो आप एनपी डॉट करके बुलाते हैं। इसी तरह से आज हम जो है पांडास के साथ काम करने जा रहे हैं तो पांडास को भी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। पांडा भी एक नंपाई जैसी एक लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पांडास को हम जनरली जो है कन्वेंशन बना हुआ है कि पांडास को जो है हम पीडी स्पीडी के रूप में जो है एडमिट करते हैं, पीडी के रूप में जो है पांडास को हम जो है इंपोर्ट करते हैं। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, कंट्रोल एंटर। अब यहाँ देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ सिंपल जो है चीजें डिफाइन की है जो आपको पहले भी मालूम है। एक लेबल नाम की मैंने लिस्ट डिफाइन करी है यहाँ पे, जिसमें 3 एलिमेंट है, एक्स वाई जेड। 0 इंडेक्स पे एक्स है और इंडेक्स 2 पे जेड है। माई लिस्ट मैंने एक लिस्ट डिफाइन करी है जहाँ पे 0 इंडेक्स पे 100 है और जो है 2 इंडेक्स इंडेक्स नंबर 2 पे जो है 300 है। टोटल 3 एलिमेंट है। उसके बाद मैंने एक अरे डिफाइन किया है नंपाई डॉट अरे, एनपी डॉट अरे से आपको पता है अरे डिफाइन होता है। अरे के अंदर हम इस तरह से एक लिस्ट देंगे तो वो अरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अरे में भी 3 एलिमेंट है, 100 200 300। ठीक है, अब मैं एक डिक्शनरी भी डिफाइन कर रहा हूँ जो कि मैं अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो डिक्शनरी में एक्स वाई और जेड जो है वो कीज है, और हमने एक्स को कॉलन लगा के एक्स की वैल्यू लिख दी 100, वाई के बाद कॉलन लगा के वाई की वैल्यू लिख दी 200, जेड के बाद जो है कॉलन लगा के जेड की वैल्यू लिख दी 300। सो इस तरह से जो डिक्शनरी में है उसमें 3 एंट्रीज हैं टोटल, की वैल्यू पेयर, 3 की वैल्यू पेयर्स हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये अपन ने जो है पहले यह सब चीजें हम देख चुके हैं, हमने इसे डिफाइन किए। आपको आगे पता चलेगा कि हमने क्यों डिफाइन किए। तो मैं इसको रन कर रहा हूं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक नया कंस्ट्रक्ट बना रहे हैं पाइथन का जिसको हम सीरीज बोलते हैं। तो जो हमने जो लिस्ट बनाई है ऊपर माई लिस्ट, उसको जो है हम डेटा इज इक्वल टू माई लिस्ट ब्रैकेट के अंदर देके सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। पांडास डॉट सीरीज सीरीज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये देखिए सीरीज में क्या होता है कि
आपकी एंट्रीज भी होती है और इंडेक्स भी होता है, तो ये इंडेक्स, इसमें इंडेक्स भी छापता है। देखिए इंडेक्स छापा इसने, जीरो, जीरो इंडेक्स पे 100 है, वन पे 200 है और टू इंडेक्स पे 300 है। तो इस तरह से सीरीज में जो है आपको इंडेक्स भी साथ में ही मिलेगा और उसकी जो है इंडेक्स की जो प्रॉपर वैल्यू है वो भी मिलेगी आपको। अगर आपको ये इंडेक्स, ये 12012 जो इंडेक्स आप लेफ्ट में दिख रहा है वो आप, वो जो आप देख रहे हैं ये जो है पाइथन ने ऑटोमेटिक उसको असाइन किया है नंबर, ये नंबर जीरो से स्टार्ट करके पाइथन ने ऑटोमेटिक असाइन किया है, ठीक है। अच्छा, मेरा स्क्रीन प्रॉपर इसमें दिख रहा है ना, मतलब बराबर आपको जो है जो टाइप किया हुआ है जब बराबर दिख रहा है आप लोगों को, राइट? यस सर। कुछ बड़ा करने का जरूरत तो नहीं है? तो ठीक है, चलो मैंने थोड़ा बड़ा भी कर दिया। तो ये देखिए आप ये 012 जो लेफ्ट में देख रहे हैं ये इंडेक्स नंबर है, तो ये पाइथन ने ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक जो है असाइन कर दिया है। तो जीरो इंडेक्स पे 100 है, वन इंडेक्स पे 200 है, टू इंडेक्स पे 300 है, डाटा टाइप इसका जो है इंटीजर है, इंटीजर 64। अब हमको क्या करना है, हमको पसंद नहीं है कि मतलब किसी रीजन से हमको ये पसंद नहीं है कि 012 जो है वो इंडेक्स रहे। हमको जो लेबल हमने ऊपर डिफाइन किए थे, ऊपर ये लेबल एक्स वाई जेड जो डिफाइन किए थे, तो हम चाहते हैं कि इंडेक्स के रूप में ये लेबल आ जाए, मतलब पहला इंडेक्स एक्स हो जाए, दूसरा इंडेक्स दो हो जाए और तीसरा इंडेक्स जेड हो जाए। तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पांडास डॉट सीरीज ब्रैकेट में डाटा माई लिस्ट, डाटा इक्वल टू माई लिस्ट कॉमा इंडेक्स इक्वल टू लेबल्स। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आप देख रहे हैं मैंने स्पेसिफिकली इंडेक्स जो है यहाँ स्पेसिफाई की है कि मेरे को लेबल नाम की जो लिस्ट है वो मेरे को इंडेक्स के रूप में चाहिए। तो ये लेबल नाम की लिस्ट जो है आपको इंडेक्स के रूप में मिलेगी। तो ये देखिए आपको इसको आप जब प्रिंट कर रहे हैं तो देखिए अब इंडेक्स 1 2 3 था, पहले ऊपर 0 1 2 था, अब वही इंडेक्स जो है एक्स वाई जेड हो गया। अब आप पूछेंगे कि ये 0 1 2 इंडेक्स अच्छा तो था, हम इसको चेंज करके एक्स वाई जेड क्यों कर रहे हैं? तो इस तरह की कई सिचुएशंस आएगी आपको डाटा साइंस की प्रोग्रामिंग में जब आपको इंडेक्स जो है जो डिफॉल्ट नंबरिंग होती है 0 1 2 उससे आपका काम नहीं चलेगा, तो आपको है ना एक पर्टिकुलर कॉलम को जो है इंडेक्स बनाना पड़ेगा। तो वो जो है आप इस तरह से कर सकते हैं, मतलब इस तरह से, और आगे जो मैं बता रहा हूँ कुछ और कंस्ट्रक्ट जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ इंडेक्स जो है स्पेसिफिकली आपने डिफाइन किया इंडेक्स इक्वल टू लेबल्स, तो जो है इसने इंडेक्स 0 1 2 हटा के एक्स वाई जेड कर दी, ठीक है। यही कंस्ट्रक्ट जो मैंने डाटा इक्वल टू माई लिस्ट दिया था और इंडेक्स इक्वल टू माई लेबल्स दिया था, वही आप जो है डायरेक्ट से टाइप कर दीजिए लेफ्ट में माई लिस्ट और राइट में लेबल्स। तो ये सिंपल है, पांडा डॉट पीडी डॉट सीरीज, ये सीरीज जो है एक कंस्ट्रक्ट है और उसमें हम जो ब्रैकेट में पास कर रहे हैं माई लिस्ट और लेबल्स। माई लिस्ट जो है अपनी एक लिस्ट है जिसमें हम लोगों ने 100 100 200 100, ये माई लिस्ट जो है मेरी ये लिस्ट है और लेबल्स जो है मेरा ये है। तो राइट में इसका मतलब ये राइट में ऑटोमेटिक उसको पढ़ लेता है कि जो राइट में हम लोग दे रहे हैं लेबल्स करके, वो ऑटोमेटिक जो है उसको इंडेक्स बना देता है। तो ये लेबल्स जो है, अगर आप लेबल 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 की बजाय अगर आप लेबल वन भी दे देंगे यहाँ पे, जैसे लेबल्स वन भी दे दिया आपने, लेबल वन भी दे दिया तो तब भी ले लेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि लेबल्स को लेबल नाम से देने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखिए आप इस नाम से देंगे, कुछ भी नाम से दे सकते हैं आप। तो जैसे मैंने लेबल बना दिया, ये लेबल ले लिया, इसने लेबल वन बना दिया, माई लिस्ट लेबल वन, तब भी इसने इसको इंडेक्स बना दिया। तो अब आप ये आपको मतलब स्वाभाविकली क्वेश्चन आएगा कि हमने ये 012 अच्छी भली पाइथन ने असाइन की थी तो हम इसको एक्स वाई जेड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन जब आप आगे प्रोग्रामिंग में एनकाउंटर करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो अभी के लिए आप समझ लीजिए कि मतलब इस तरह से हम लोग एक पर्टिकुलर लिस्ट को जो है वो एज ए इंडेक्स दे सकते हैं पाइथन के सीरीज का। और सीरीज मतलब क्या होता है, जैसे आप ये लिस्ट को छापेंगे तो आप लिस्ट और सीरीज में फर्क समझिए। ये मैं एक ऊपर ये बना रहा हूँ और मैं जो है ये लेबल वन को प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, लेबल वन एक लिस्ट है। तो देखिए लिस्ट को किस तरह से प्रिंट करता है, एक्स वाई जेड, ठीक है ना, और ये एक्स वाई जेड प्रिंट करता है, या मैं इसको प्रिंट करता हूँ, माई लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, माई लिस्ट मैंने प्रिंट किया है यहाँ पे। तो ये 100 to 100 ऐसा प्रिंट किया, इंडेक्स इसके 100 की 0 है, 200 की इंडेक्स 1 है और 300 की इंडेक्स 2 है, पर वो उसको शो नहीं करता। इंडेक्स जो है एक्सप्लिसिटली इसमें आती नहीं है, इम्प्लिसिट होती है, मतलब इसमें इम्प्लिसिट होता है कि ऐसा इंडेक्स है 100 का 0 है और 300 का 2 है,
पर सीरीज में जो है इस तरह से आपको देखिए, इंडेक्स भी मतलब एक कंस्ट्रक्ट है जो कि वो सीरीज का ही पार्ट होता है। तो ये इंडेक्स आप कैसे चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर आप लेबल इंडेक्स को स्पेसिफाई कर देंगे तो आप किसी भी चीज को जो है वो इंडेक्स बना सकते हैं। अब आप यही सीरीज जो है आरएसएबी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए पीडी डॉट सीरीज वही की वही मेथड है, पीडी डॉट सीरीज। और ये जो आरए हम लोगों ने ऊपर डिफाइन किया था, यहाँ पे आरए में कुछ नहीं था, 100 200 300 तीन एलिमेंट थे। तो ये तीन एलिमेंट जो है हमने आरए के दे दिए यहाँ पे, तो ये भी सीरीज में कन्वर्ट हो गया। तो सेम सीरीज जो आपने ऊपर ऊपर जो लिस्ट से बनाई थी, यहाँ पे माई लिस्ट से बनाई थी जो सीरीज, ये सेम की सेम लिस्ट आप आरए से भी बना सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह से आपने ये लिस्ट थी लेफ्ट में और राइट में लेबल वन लिख के आपने इंडेक्स चेंज कर दी थी, उसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं। माई सीरीज यहाँ आरए है और ये लेबल जो है एक्स वाई जेड है, तो आपने लेबल्स को लेबल वन कर दिया था। तो ये देखिए ये आपका इस तरह से भी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि अभी आपने जो लिस्ट, मतलब आप लिस्ट से भी आरे बना सकते, लिस्ट से भी सीरीज बना सकते हैं और जो है आरे से भी बना सकते हैं, और दोनों की फंक्शनलिटी एग्जैक्टली सेम है। मतलब वही मेथड काम करती है और वही उसी तरह से आप जो है इंडेक्स चेंज भी कर सकते हैं। जो डिफॉल्ट इंडेक्स है उससे आप कुछ और भी इंडेक्स दे सकते हैं। तो दोनों सेम तरीका है दोनों का। यहाँ आरे की जगह लिस्ट दे देंगे तो लिस्ट ले लेगा, और आरे है तो आरे भी ले लेगा। मतलब दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। और एक और तरीका है सीरीज बनाने का, आप डिक्शनरी से भी बना सकते हैं। तो देखिए डिक्शनरी थी हमारी, यहाँ पे हम लोगों ने डिक्शनरी डिफाइन की, एक डी डिक्शनरी। मैं डिक्शनरी को डीआईसीटी करता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। डीआईसीटी ये डिक्शनरी है, मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, आपको समझ में आएगा कि यह डिक्शनरी क्या है। तो ये एक डिक्शनरी मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये डिक्शनरी में एक्स एक की है जिसका वैल्यू 100 है, y एक की है जिसका वैल्यू 200 है, और z एक की है जिसका वैल्यू 300 है। अब इसको हम सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए तो ये डिक्शनरी को सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डिक्शनरी को अगर हम सीरीज में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए क्या बन जाता है। ऑटोमेटिक जो है वो की को क्या बना देता है, इंडेक्स बना देता है। तो एक्स वाई जेड जो पहले कीज थी डिक्शनरी की, वो अब जो है तुम्हारी सीरीज की इंडेक्स बन गई ऑटोमेटिक। तो इस तरह से आप डिक्शनरी से भी बना सकते हो। तो मैंने आपको अभी तीन तरीके बताए सीरीज बनाने के। एक तो आप लिस्ट से बना सकते हो जो दिखाया मैंने आपको, एक आप अरे से बना सकते हो, एक आप डिक्शनरी से बना सकते हो। और ये प्रैक्टिस फाइल वैसे भी आपके साथ शेयर की जाएगी, तो आप वैसे भी मतलब अगर अभी आपको इतना समझ में नहीं आया है तो हम बाद में एक बार रिविजन करेंगे तब समझ में आएगा, और नहीं तो आप घर जाके भी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको बताना चाहता था कि हाँ मैं आपको बताना चाहता था कि ये देखिए, मतलब मैं इधर जो है इसमें जरूरी नहीं कि आपको इंडेक्स में जो है पांडास में नंबर ही लेता है। मैं क्या कर रहा हूं यहां पे देखिए, एक लिस्ट बना रहा हूं, फंक्शन लिस्ट मैंने ऐसे ही कुछ आर्बिट्री नाम दिया एक लिस्ट का, जो लिस्ट ये है। अब आप देखिए क्या है, ये सम है, प्रिंट है और लेंथ है एलियन। मैंने इसको कोट्स में नहीं लिखा है, देखिए कोट्स में नहीं लिखा है। मैंने इसको कोट्स में क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो है पांडास के फंक्शंस हैं। सम भी एक फंक्शन है, प्रिंट भी एक फंक्शन है, और लेंथ भी एक फंक्शन है। तो हम एज ए स्ट्रिंग नहीं दे रहे हैं इनको, एज ए पांडास फंक्शन ही दे रहे हैं। तो मैं अब आप देखिए, अपन यहाँ अपन ने फंक्शन लिस्ट दिया और मैं उसकी एक सीरीज बनाता हूँ। पहले मैं फंक्शन लिस्ट को रन करता हूँ और पांडास डॉट सीरीज को मैं अगर बनाता हूं तो देखिए ये भी इसको भी जो है था। तो फंक्शन की डेफिनेशन जो है बिल्ट इन फंक्शन एस, पहली इंडेक्स है बिल्ट इन फंक्शन सम, दूसरी आप करेंगे नहीं ऐसा, जिस तरह से मैं भी बता रहा हूँ ना, सम प्रिंट लेंथ जो मैं आपको फंक्शन की लिस्ट बना के बता रहा हूँ, ऐसा आप जिंदगी में शायद कभी नहीं करेंगे। पर यहां मैं सिर्फ एक एक्सट्रीम एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप ये समझ जाएं कि पांडास की फंक्शन में पांडास की जो लिस्ट, पांडास का जो सीरीज होता है उसको मल्टीपल डेटा टाइप्स आते हैं। तो देखिए अगर मैं इसमें लेंथ की बजाय अगर एक्स लिख दूंगा तो देखिए क्या होता है, ठीक है। तो देखिए उसने तीसरे को जो है एक्स ले लिया,
तो दो जो है वो फंक्शन टाइप है जीरो एंड वन, और तीसरा एक्स जो है सिंपल कैरेक्टर। एक मिनट, आई विल क्लोज द डोर एंड कम इन अ मिनट। सॉरी, ये रूम जरा किचन के पास है ना, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस भी रिकॉर्ड हो जाता है कभी कभी, तो डोर बंद कर दिया तो डिस्टर्बेंस कम हो जाएगा। ये सम को अगर आप एक न्यूमरिक से रिप्लेस करते हैं तो देखिए क्या लेता है ये। इसको मैंने वापस कन्वर्ट किया सीरीज में, तो देखिए आप सीरीज में जीरो एलिमेंट जो है वो वन नाम का नंबर है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फंक्शन है, फंक्शन डेफिनेशन है, और टू जो है वो एक करेक्टर है। तो कहने का मतलब ये है कि पांडास की सीरीज में आपको जरूरी नहीं है कि आपको नंबर ही रखना है या सिर्फ कैरेक्टर ही रखना है या एक ही तरह की चीजें रखना है। आप जो है मतलब जो है अलग अलग चीज अलग अलग तरह की चीजें रखते हैं। कि मैं इसे स्ट्रिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ किसी का नाम, ठीक है ना, एक नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो देखिए अब पांडास में तीन इसमें सीरीज में तीन एलिमेंट है, जीरो एक नंबर है, एक्स जो है वो एक वन नंबर जो इंडेक्स वन है वो एक स्ट्रिंग है जो हमने दी थी, और इंडेक्स टू है वो एक कैरेक्टर है जो कि वो भी स्ट्रिंग ही है। तो अलग अलग तरीके जो एलिमेंट आप है ना सीरीज में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब आप जो मतलब अब आप जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं कि अपन ने ऊपर क्या किया था, ऊपर जो किया था कि हमको हमने यहां देखिए लाइन नंबर 26 पे, लाइन नंबर 26 में पांडास डॉट सीरीज डेटा हमने दिया था, माई लिस्ट डेटा माई लिस्ट दिया था जो एक लिस्ट है, और इंडेक्स को जो है लेवल वन के रूप में हमने दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसा ना देके हम इस तरह से भी दे सकते हैं डायरेक्ट, अगर हमको डिफाइन नहीं करना है तो देखिए सीरीज वन इज इक्वल टू इस तरह से देखिए पांडास डॉट सीरीज सिंपल जो है कर्ली एंगुलर ब्रैकेट सर्कुलर ब्रैकेट, और ये जो है हमने लिस्ट देखी, अब देखिए 100 200 300 एंड 400 ये देखिए एक लिस्ट है, ये लिस्ट है क्योंकि जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये लिस्ट है 100 200 इसमें चार एलिमेंट है, और इंडेक्स इज इक्वल टू हमने दे दिया इंडेक्स इज इक्वल टू इंडिया यूएसए यूके एंड रशिया, ठीक है। तो ये इस तरह से भी अगर आप देते हैं तो उसको आप इस तरह से डायरेक्टली भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए तो ये जो इंडेक्स आपने दी थी इंडेक्स इज इक्वल टू इंडिया यूएसए यूके रशिया, ये उसने इंडेक्स बना दी, और आपने जो लिस्ट में जो लेफ्ट हैंड में नंबर दिए थे वो नंबर को उसने वैल्यूज बना दिए, ठीक है ना। तो ये आपने एक्सप्लिसिट इंडेक्स दी थी, मतलब ये मतलब एक्सप्लिसिटली मतलब आपने डिफाइन की थी कि इंडेक्स हमको जो है वो डिफॉल्ट इंडेक्स नहीं चाहिए, हमको इंडेक्स यह लिस्ट में जो एलिमेंट है वही चाहिए। अब वही चीज मैं आपको जो है ना सिंपल प्रिंट करके बता रहा हूँ विदाउट गिविंग इंडेक्स। ये देखिए लाइन नंबर 12 सीरीज टू में मैंने पांडास डॉट सीरीज किया है, इसमें मैंने कोई इंडेक्स डिफाइन नहीं की है। तो देखिए क्या करता है, तो इसने जो जैसे कि आप सोच रहे हैं उसने डिफॉल्ट इंडेक्स असाइन कर दी 0 1 2 3, 0 पे जो है 100 है और 3 पे जो है वो 400। तो मतलब ये है कि आप या तो लिस्ट डिफाइन करके या तो इस तरह से कर सकते हैं जैसे अपन ने ऊपर किया था इस तरह से माई आर एंड लेवल वन, या आप डायरेक्टली भी वैल्यू देके कर सकते हैं यहाँ पर जैसे इस तरीके से किया है आपने सीरीज को डिफाइन किया। और आपको आप समझ में आ गया कि मतलब इंडेक्स जो है वो आप डिफॉल्ट चाहे तो डिफॉल्ट ले लो, कुछ नहीं स्पेसिफाई करोगे तो डिफॉल्ट रहेगा, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंडेक्स चाहिए तो इंडेक्स इज इक्वल टू आपका इंडेक्स जो आपको डिफाइन करना है वो एक लिस्ट के फॉर्मेट में यहाँ दे दो वो आ जाएगा। तो ये दो सिंपल चीजें जो है मतलब मैं आपको मतलब ये दो सिंपल चीजें आपने जो है अभी समझ लिया। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे अब ये इंडेक्स देखिए ये सीरीज वन देखिए सीरीज वन यहाँ पे है सीरीज वन है, यहाँ पे जो पहला इंडेक्स है वो इंडिया है, पहला इंडेक्स है इंडिया है। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सीरीज वन जो है वो सीरीज वन को मैं आपको पहले प्रिंट करके बताता हूँ यहाँ पे सीरीज वन, तो आपको यहाँ पे कंट्रास्ट रहेगा। ये सीरीज वन देखिए, तो सीरीज वन का जो पहला इंडेक्स है वो इंडिया है। अब मैं लिख रहा हूँ सीरीज वन और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ये ऐसे लिख रहा हूँ देखिए इंडिया, तो देखिए क्या होता है। तो उससे जो है
इंडिया के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी वो उसने डिस्प्ले कर दी है यहाँ पे। अगर हम यहाँ यूएसए लिख दें या अगर यहाँ हम रशिया लिख दें तो रशिया के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है फेच करेगा। ये देखिए रशिया के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है आ गई यहाँ। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, जो लाइन नंबर 50 आपको दिख रही है जो अभी हाईलाइटेड है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो डिफाइन करते समय इंडेक्स तो डिफाइन कर दी थी इंडिया यूएसए यूके रशिया, पर आप इस तरह से आप एक्सेस भी कर सकते हो उसको, इस तरह से आप एक्सेस भी कर सकते हो। अगर मैं इसको दो देता हूं तो देखिए क्या होता है, देखें क्या होता है। ये एरर दे दिया क्योंकि ये जो दो है ना ये हमने गलत दिया है इसको। जब आपको एक से ज्यादा इंडेक्स देना है तो हमको एज ए लिस्ट देना पड़ेगा इसको। एक मिनट जरा करके देखते हैं। ये देखिए तो ये जब आपको एक से ज्यादा देना है तो आपको ये लिस्ट के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो इंडिया एक हो गई तो ये मल्टीपल उसने एक्सेस कर ली, इंडिया को 100 कर दिया और जो है रशिया को 100 कर दिया। अगर आपको इसमें एक और जोड़ना है यूके तो आप एक और भी जोड़ सकते हैं। ये देखिए तो तीनों इंडेक्स उसने जो आपने स्पेसिफाई किए थे लिस्ट के अंदर तो तीनों को एक्सेस कर दिया। तो यहां आप देखिए इसको आप ध्यान से देखिए थोड़ा, सीरीज वन जो है वो आपकी सीरीज का नाम है और बाहर एक एक ब्रैकेट लगाया आपने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर चूंकि आपको मल्टीपल देना है, मल्टीपल वैल्यूज देना है इंडेक्स की, तो आपने उसको लिस्ट के अंदर देना पड़ेगा। तो अंदर तो ब्रैकेट के अंदर जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और अगर आप एक ही एक्सेस करना चाहते हैं तो मैं एक बार और बताता हूं आपको, ये मैंने इसको कमेंट बना दिया और अभी जो है मैं एक ही एक्सेस कर रहा हूं रशिया, तब आपको उसको स्क्वायर ब्रैकेट में देने की जरूरत नहीं है, तब आप सिंगल ऐसे भी दे सकते हैं। देखिए रशिया को एक्सेस कर दिया उसने। तो यहां पे मैं अभी 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं। यू गाइज आर मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड और यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग आई विल रिपीट। सर डिक्शनरी या फिर लिस्ट के कंपैरिजन में सीरीज का एडवांटेज क्या है, क्योंकि काम तो सेम ही कर रही है। यार देखो ये सब तुमको है ना आगे प्रोग्रामिंग में, अभी सीरीज जो है आप इसको डायरेक्टली जो है डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर पाओगे, और जब डाटा फ्रेम आप यूज करने लगोगे तो फिर कभी नहीं पूछोगे कि डाटा फ्रेम का जो है एडवांटेज क्या है, ठीक है? क्योंकि डाटा फ्रेम के साथ ही हम हमेशा जब हम पाइथन की प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमेशा 90% ऑफ द टाइम जो है जो हम ऑपरेशन करते हैं वो डाटा फ्रेम के ऊपर ही करते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह की जो सीरीज होती है उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना जो है बहुत इजी हो जाता है, ठीक है? तो अभी आप थोड़ा मतलब ठंड रखिए, आपको इसका एडवांटेज अभी आप आगे अपने आप जैसे करते जाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है पर अभी आप मैं बोलता हूँ इस क्वेश्चन को पार्क कीजिए, अभी आप जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या एडवांटेज है सीरीज का, ठीक है ना? तो और किसी को कोई क्वेश्चन है सर? हाँ सर, अपन जैसे डिक्शनरी में वैल्यूज और कीज दोनों ग्रैब कर सकते थे, तो इसमें तो जैसे अभी मैंने डिक्शनरी के आगे मैंने इंडेक्सिंग डाली तो वो 100, 200, 300 दे रहा है एक्स वाई जेड। ये इंडेक्सिंग, हाँ हाँ, तो एक्स वाई जेड तो ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। आपको डिक्शनरी का एक्स वाई जेड ग्रैब करना है? हाँ, वो सिंपल की कमांड बताया था मैडम, मैं भूल गया। नहीं नहीं सर, वो नहीं इसमें pd.series में, pd.series अगर d में अपन डाल रहे हैं और उसके आगे इंडेक्स डाल रहे हैं ना, तो 100, 200, 300 तो आ जा रहा है 0, 1 और 2 से, लेकिन xyz जैसे आपने बोला कि इंडेक्स में आ गया है xyz, तो अगर उसको मैंने ग्रैब करना है तो कुछ एरर आ गया। आपको सीरीज से ग्रैब करना है ना मैडम उसको? हाँ सर। हाँ तो अभी उसको मतलब आप 2 मिनट के लिए रुकिए, मैं इसको थोड़ा सिंटेक्स देख के आपको बताऊंगा। कर सकते हैं मैडम, वो भी कर सकते हैं, उसका सिंटेक्स मेरे को देखना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको देख के। ओके सर, ठीक है। तो अभी जैसे ये सीरीज ये कर लिया था अपन ने, और अब देखिए मैं एक इंटरेस्टिंग चीज कर रहा हूँ यहाँ पे। सीरीज 3 जो है वो
सीरीज थ्री एक डिफाइन कर रहा हूँ जो पीडी डॉट सीरीज है, पांडा डॉट सीरीज, और उसमें मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन, आपको जरा याद रखने के लिए इजी रहेगा, एक दो तीन चार, तो एक दो तीन चार जो है आपको सिर्फ एलिमेंट मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक दो तीन चार। और एक अगली सीरीज लेता हूँ सीरीज फोर, जिसमें पांडा डॉट सीरीज करता हूँ, और चारों एलिमेंट जो है मैं अभी पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव चारों एलिमेंट की वैल्यू सेम देता हूँ, ठीक है, चारों एलिमेंट की वैल्यू सेम देता हूँ। मैं आपको प्रिंट करके बताता हूँ, तो ये सीरीज वन है, सीरीज थ्री है सॉरी, और ये सीरीज फोर है, इसमें सारे सेम है। अब आप एक ऑपरेशन करते हो सिंपल, प्रिंट सीरीज थ्री प्लस सीरीज फोर, तो क्या होगा देखिए, ये देखिए उसने सम कर दिया, इंडेक्स होगा वही रहा जीरो वन टू थ्री फोर, और ये सीरीज सीरीज थ्री में वन टू थ्री वन, इसमें क्या था, नहीं अपन इसको एग्जीक्यूट नहीं किया क्या, ये सीरीज थ्री, हाँ वन टू थ्री फोर, और जो है सीरीज थ्री और सीरीज फोर को जब एग्जीक्यूट करोगे तो ये जो है ना सम कर दिया उसने, पॉइंट टू पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव, मतलब मैं डेमोन्स्ट्रेट जो चीज करना चाहता हूँ वो ये चीज डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ कि सीरीज का जो है आप डायरेक्टली एलिमेंट वाइज सम कर सकते हैं। जब आप दो सीरीज का जब दो सीरीज का आप सम करते हैं तो क्या होता है, उसके दोनों एलिमेंट वाइज सम होता है, तो वन में पॉइंट फाइव जुड़ गया, टू में पॉइंट फाइव जुड़ गया, तो सब में ऐसा जुड़ गया। अगर आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको पॉइंट सिक्स कर दीजिए, इसको पॉइंट सेवन कर दीजिए, और इसको पॉइंट एट कर दीजिए, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे थोड़ा। तो देखिए अब ये सीरीज थ्री जो है तो वन टू थ्री फोर हमने चेंज नहीं की थी, अब सीरीज फोर जो है ये देखिए पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवन पॉइंट एट, अब आप कर रहे हैं सीरीज थ्री प्लस सीरीज फोर, देखिए तो ये जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ गए दोनों, ठीक है। तो दैट्स हाउ, अभी हमने सीरीज खत्म कर लिया, मतलब सीरीज के जो मोस्ट बेसिक ऑपरेशंस थे वो खत्म करते हैं। तो यहाँ पे मैं ना पांच मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, और मैं अभी ये स्मिति का क्वेश्चन आंसर करूंगा कि हाउ टू एक्सेस द इंडेक्स ऑफ ए सीरीज, ठीक है। तो अभी पांच मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी बंद कर रहा हूँ और कैमरा भी बंद कर रहा हूँ।